मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करे थे, आज हम लोग 5.2 कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए क्या, ऐड और सबट्रैक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द आंसर टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोगों को इसको सॉल्व करना। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, 6/3 + 3/8। तो देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 6/3 डिनोमिनेटर सेम तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 6 + 3 दैट इज 9/8। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, बी में भी क्या दिया हुआ मेरा 7 है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट 7 + 5 दैट इज 12 कट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर में 2/5 + 8/9 है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए 2/5 + 8/9 है तो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है तो हम लोग डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे इस तरह से, 3 का टेबल से कटा तो कितना आया मेरा 45, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। तो अब देखिए एलसीएम 45 लिए, अब देखिए 5 का टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, तो 9 को बस देखिए सेम आया, अलग अलग नंबर आया 5, 9 = 45, तब हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 × 2 = 18 एंड 8 × 5 = 14। अब तीनों को ऐड किए तो मेरा कितना है 58/45। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जी नंबर है 3/2 − 4/6, ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, देखिए दोनों 2 का मल्टीपल्स है तो 2 का, तो जो सबसे बड़ा वाला रहता है, जब एक ऐसा केस होता है जब भी आप लोग देखिएगा डिनोमिनेटर 2 का कोई भी सेम नंबर का मल्टीपल्स हो, सबसे ग्रेटर वाला नंबर जो होता है वही हम लोगों का एलसीएम हो जाता है। हम लोग एलसीएम लेंगे 2 और 6 का, तो एलसीएम क्या आएगा 6। अब देखिए 2 का टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 = 9। अब देखिए 4 डिनोमिनेटर तो सेम है तो सब क्या हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा तो 9 − 4 दैट इज 5/6। तो इसी तरह से हम लोग, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड होल नंबर, तो मल्टीप्लाई करना है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 2/5 × 25, तो इसको 2/5 लिखेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर इस तरह से, या तो ऊपर नीचे कटेगा तो ये साइड वाला और ये वाला कटेगा, तो देखिए 5 का मल्टीपल से 5 से कटेगा, कैसे कटेगा देखिए हम लोग काट के देखा, 5 × 1 = 5 हुआ मेरा, 5 × 5 = 25 तो कट गया, अब तो न्यूमरेटर 1 हो गया, अब क्या बचा मेरा 2 बचा और 5, तो 2×5 = 10 तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का सेम इसी बेस पे बनेगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इसमें भी क्या करना है फ्रैक्शन प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है 3/4 × 5/6, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 3/4 × 5/6, इसको लिखे 3/4 × 5/6। अब देखिए ऐसे ऐसे तो नहीं कटा, तो ऐसे ऐसे 3 का टेबल में कटा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब तो किसी और का नंबर से नहीं कटा, तो यहाँ 1 बचा यहाँ 5, तो 1 × 5, यहाँ 4 बचा और 2, 4 × 2 = 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/8। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसका देखिए एक क्वेश्चन नंबर ई है 3/4 × 5 × 5 = 2/4, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हम लोग सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3/5 = 15, हम बताए थे कि कैसे किया जाता है, तो 3 × 5 = 15 + 4 तो क्या हो जाएगा 19 × 5। अब इसको करेंगे 4/5 = 20, 20 + 2 = 22/4। अब देखिए किससे कटेगा, ऐसे ऐसे तो नहीं कट रहा, तो इधर अप डाउन नीचे कटेगा, 2 का टेबल से कटेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2। अब मेरा क्या बचा 19 बचा, 11 बचा, अब तो किसी से नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा, तो 19 × 11 और 5 × 2, तो 5 × 2 = 10 और 19 × 11 = 209। सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया, डिवाइड करने बोला गया, डिवाइड द फ्रैक्शन बाय गिवन होल नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 3/4 / 3, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3/4, तो जब भी डिवाइड में रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड है तो उसका ये जो होता है रिवर्स हो जाता है, तो 3 है तो 1/3, देखिए 3/4 को हम लोग रिवर्स किए तो इंटू में गया तो वो चेंज हो जाता है, 1/रेसिप्रोकल कर देते हैं, सिंपली उसका रेसिप्रोकल हम लोग कर देते हैं, तो 3 था तो 1/3 हो गया। अब देखिए 3 कट जाएगा, क्या बचा 1 और 4, तो 1 × 1 = 1 और 1 × 4 = 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। तो सेम सारा क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह से बनेगा, जो भी नंबर है उसको बस रेसिप्रोकल कर देना, 1/ जो भी होल नंबर उसको डिवाइड करके लिखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इसमें बस ये फ्रैक्शन में दिया, ये होल नंबर नहीं है, इसमें हम लोग को फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, देखिए 8 / 1/2, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से,
ए डिवाइडेड बाई वन बाई टू, बस इसको रिसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई करके उसका उल्टा, वन बाई टू है तो टू बाई वन, अब ये किसी से कट नहीं रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एट जा एट टू जा सिक्सटीन, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो जितना भी इस तरह का क्वेश्चन है बस आप लोगों को सेकंड वाला डिवाइड के साइन के बाद वाला जो नंबर बस उसी को हम लोग रिसिप्रोकल करते हैं हमेशा। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर मेरा यहाँ पे ये सब तो सेम है, ई नंबर देखिए इसमें दोनों फ्रैक्शन में, तो चलिए इसको बनाते हैं कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन टू बाई थ्री इंटू वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई वन बाई फाइव, तो बस इसको हम लोग सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सेम रहेगा बस सेकंड वाला जो है डिवाइड के साइन के बाद वाला उसको बस हम लोग रिसिप्रोकल कर देंगे, वन बाई फाइव है तो फाइव बाई वन, अब किसी से कट नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, टू फाइव जा टेन, वन थ्री वन जा थ्री, तो आंसर क्या जाएगा थ्री टेन बाई थ्री। देखिये ये इम प्रॉपर में आया था, हम लोग चाहते हैं तो अब हम लोग इसको किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री के टेबल में टेन नहीं आता लेकिन उससे कम आता है, क्या आता है नाइन, तो कितने बार में आता है थ्री बार में, तो थ्री मेरा होल पार्ट हो जाएगा, टेन में से नाइन आया तो वन बचा, तो वन मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर। देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर हम लोगों का इसमें एफ नंबर है, टू थ्री बाई फोर वन वन बाई फाइव, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो सिंपली इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए टू थ्री बाई फोर है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर प्लस थ्री, इसको हम लोग क्या करेंगे इम्प्रॉपर में बाई फोर, इसमें वन इंटू सिक्स प्लस फाइव, तो हम लोग करेंगे तो क्या आएगा इलेवन बाई फोर, ये करेंगे तो इलेवन बाई सिक्स आएगा, अब डिवाइड में तो इसको हम लोग क्या करेंगे रिसिप्रोकल, इलेवन बाई फोर इंटू सिक्स बाई इलेवन, तो देखिए इलेवन इलेवन कैंसिल हो गया, अब ये फोर बचा है ये मेरा सिक्स बचा है, फोर और सिक्स तो टू के टेबल में आता है तो इसलिए टू से काटेंगे, टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स, तो अब क्या आंसर बचा थ्री बाई टू, तो आंसर हम लोगों का इम्प्रॉपर में, तो अब हम लोग चाहेंगे तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्री टू वन जेड टू होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा वन, तो रिमाइंडर ऊपर में और जो डिवाइजर है वो नीचे में, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पर जो वर्ड प्रॉब्लम वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, थैंक यू।